हमारा भारतीय इतिहास कई वीरों की गाथाओं और उनके शौर्य की महिमा से भरा हुआ है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो इतिहास हमें बहुत कम सुनाया गया, बहुत कम पढ़ाया गया है। ऐसे ही एक महान गुरु से संबंधित ऐतिहासिक स्थान के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, सिखों के नवे गुरु प्रथम गुरु नानक द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने वाले, वो जिनके द्वारा रचित पद गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं, वो सत्य के मार्ग पर अडिग रहे, अन्याय के विरुद्ध धर्म के मार्ग पर चलते हुए जिन्होंने मुगल शासकों के समक्ष अपने प्राणों की आहुति दे दी लेकिन इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ा, ऐसे थे गुरु तेग बहादुर। मुगल तानाशाह क्रूर शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने को कहा। इसके प्रत्युत्तर में गुरु साहिब ने कहा कि हम शीश कटा सकते हैं, केश नहीं। विश्व इतिहास में धर्म एवं मानवीय मूल्यों, आदर्शों एवं सिद्धांत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वालों में गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान अद्वितीय है और उन्हीं को समर्पित है बुढ़िया का गुरुद्वारा साहिब। यहाँ का इतिहास लगभग 400 साल से भी अधिक पुराना है। अपनी उपदेश यात्राओं के दौरान आगरा से आनंदपुर साहिब के रास्ते से गुजरते हुए गुरु तेग बहादुर कुछ समय के लिए यहाँ ठहरे थे। कहते हैं यहाँ याजक की हर प्रार्थना स्वीकृत होती है। इस गुरुद्वारे की ख्याति दूर दूर तक है। प्रत्येक रविवार को यहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु भारी संख्या में लाभान्वित होने आते हैं। शांत शुद्ध वातावरण के साथ यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इस जगह के महत्व को और अधिक बढ़ा देती है। गुरुजी ने धर्म सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए कई स्थानों का भ्रमण किया। गुरुजी ने लोगों के आध्यात्मिक सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए कई रचनात्मक कार्य भी किए। इन्हीं यात्राओं के बीच गुरुजी के यहाँ पटना साहिब में पुत्र का जन्म हुआ जो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी बने और कुछ समय के बाद एक क्रूर राजा औरंगजेब ने भारत की जड़ें कमजोर करने की कोशिशें की। पूज्य संतों की अवमानना करने का मानो दुष्ट औरंगजेब ने व्रत ले रखा था। इस समय सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर सिख परंपरा का मार्गदर्शन कर रहे थे। उनकी हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा कितनी गहरी थी इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है। जब दीन मोहम्मदी लाने का दृढ़ संकल्प कर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष तीन संकल्प रखे, चमत्कार दिखाओ, इस्लाम स्वीकारो या फिर अपने प्राणों की आहुति दो। इन प्रस्तावों और औरंगजेब की बातें सुनकर स्वधर्म निर्वाह के संबंध में वीर गुरु श्री तेग बहादुर जी ने उत्तर दिया कि हम अपने धर्म को मानने वाले हैं, जो मूर्ख है वही इसे त्यागने की बात सोच सकता है। प्राण देने की जो तुमने तीसरी बात कही है वह हमें स्वीकार है। शरीर पर प्रहार सहते हुए प्राणों की आहुति देकर हम अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे और हमारा यह धर्म तुम्हारे प्रयासों से नष्ट होने वाला नहीं है। तो मध्य युग में गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की आसुरी शक्ति के आगे नतमस्तक न होकर भारतीयता को गौरवान्वित किया है और दुनिया को यह समझाया है कि हिंसा से कई अधिक शक्तिशाली अहिंसा होती है। एक संत के बलिदान का यह प्रभाव कि अकबर ने जिस मुगल सत्ता को भारत में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया था, जहांगीर और शाहजहां ने जिसे स्थिरता प्रदान की थी, औरंगजेब के जीवन काल में उसकी नींव हिल गई और उसके संसार से जाते ही मुगल सत्ता का सूर्य भी अस्त होना प्रारंभ हो गया था।
तो ये थी बुढ़िया के ऐतिहासिक, चमत्कारिक और महान गुरुद्वारे की कहानी, जिसके साथ हमने गुरु तेग बहादुर जी से जुड़े कुछ कहानी किस्से आपके साथ साझा किया। हमें सुनने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।